ये देखिए मर्चा नाल मेरी बच्ची रोटी खांदी बैठी है, देखो ये सारी हालात, सारे कोल कुछ भी नहीं, भाजी जोगे भी कह नहीं पैसे, सारे कोल जो सब भाजी पका गई रुखी सी नहीं, मैं खा भी वेने मैं जड़े लो भूख लगती है तो मर्चे खाई ना फिर तो मर्च लग गई बहुत ज्यादा पान पी के मर्चे। ये देखो ये हालात है बच्चों के, छोटी सी बच्ची है बेचारी, ऐसे दे दो खाना, इसे ऐसे दे दो रुखी रोटी खा जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज और जगह पे पहुँची हूँ तो इनके मैंने हालात देखे हैं, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम सिस्टर, ये क्या बना रही हो बच्चों के लिए खाना? जी हाँ, रोटी पकानी पे है, सारे घर बस ये मांग पे नहीं, आटा घेना है। अच्छा, सारे अपने घर पे कोई हालात क्या नहीं, मेरा करण आना कोई नहीं है। अच्छा, छोटा जी है मेरा बच्चा है जेड़ा काम करें दे। अच्छा, मैं आप घर की मेहनत मजदूरी करके घेना नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दो चार रोटी आटा है जेड़ा मैंने को पका के देनी पड़ी है। अच्छा, सालन वगैरह कुछ नहीं बनाया? सालन वगैरह कुछ नहीं है, कच्चा दिखाओ, सालन बना हुआ है दिखाओ, कुछ नहीं, घी वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ये वसल दोगी? जी हां दोगी। जी हां, ये कच्चे वसल काट के इन्हां नूं रोटी देंदी पिया, पानी दी जग को नहीं, पानी लोकां दे घरों मांग के सा। ये जगह है बाजी आपकी? जी हां। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह, ये बच्चे हैं ना सारे? जी हां। अच्छा, तो ये अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम अम्मा। क्या मसला है अम्मा? मेरे आँखें में जेद कोने पौंदे। अच्छा, हां कि हेठ पैरा ने हाथ फाद के मैं वजू करवे ने हाथ फाद के बाहर गन हाथ फाद के बंजी दे बले ने। अच्छा, इस अम्मा को भी आपने रखा हुआ है, आपकी क्या लगती है? मेरी अम्मा है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा सास है या अम्मा है या कोई रिश्तेदार है? अच्छा, अम्मी अम्मी मेरी सच्ची अम्मी है। अच्छा जी है। तो ये ऐसे समय लेके आपका सहारा है कि पीछे बच्चों को संभालती होगी ऐसे? जी हां जी हां, मैं देखती रहती होगी, संभाल तो नहीं सकती ना? जी हां जी हां, बस घर बैठी रहती है, बच्चों को बस अकल ओढ़ करती है, मैं लोगों का कारोबार करनी है घर का भी बच्चों को। कितनी जगह है बाजी आपकी इधर? 3 मरले। इस छप्पर के नीचे रह रही हो? जी हां। इधर ही जिंदगी गुजार रही हो? जी हां, मी झाड़ बारिश आवे जैसे छप्पर तले नहीं कोई कंजा कोई ना जगह है, छटा ही है 2-3 दिन जो भन्या टूटे हैं। अच्छा, ये 2-4 पन्ना? जी हां, ना कोई कपड़ा ना बिस्तर, ना कोई ना कपड़ा ना बिस्तर, मेरे को बर्तन भी ये कोई जन जड़े घर ते वरतावन दे, मेरे को ना बर्तन है ना, मेरे को कोई शा बिस्तर है ना, बालन दा कपड़ा पवावन दा इतना मेरे को है, बस इमे लोगों को मांग मुंह के ते मैं जड़ा दा गुजारा करनी है बालन दा। अच्छा, बहुत हालात खराब है, पानी भी नहीं है इनके घर में, पानी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं ये इना कुल भिजेनिया, कोई दरबुए बंद करके चलन वेंदे वाड़ा बूटे नु कहीं भरन दिता कहीं ना भरन दिता, अम्मा दे वजू वास किते भी मैं हलाक थी ने पानी भरन। अच्छा, हेड पंप की जरूरत है? जी नलके ते जरूरत है, बिजली भी कोनी सादी। अच्छा, बिजली दर है भी नहीं? जी हां, बस्ती है ये देखें, इनके ये हालात हैं आप लोगों के सामने, बहुत मुस्तहक फैमिली है, इन बेचारों का कोई भी नहीं है ऐसे समझ लें, तो अम्मा इनके पास रहती है, धूप दे कीड़ाने विच अम्मा भी पई रहंदी, अखी तो मुठा जे छदी है, सारी सुपारी लो विच गुजरंदी है। गर्मी है ना बहुत ज्यादा, अभी तो गर्मी है फिर सर्दी आ रही है ना, बिस्तर है ना कुछ है, फिर कैसे नीचे सोते हो आप भी? बस तले ही में टाट बिछा गई थी तो बालों को लिटा दीता। अच्छा जी हाँ, ये हालात है इन लोगों के लिए देखिए, बस मेरा सहारा ही है, एक बेटा है जड़ा है परला बैठा है। अच्छा, बस मेरा सहारा भी करने वाला कोई नहीं। देखो ये कुछ सारे को है, मेरी बच्ची निकी जी है खीर पी बना लिए, एक मैं मर्चा ना रोटी खवेंदी बैठी हूँ, कुछ होवे तो सा रोटी खवाऊं, ये खाली मर्चा ना मेरी छोटी जी बच्ची है रोटी खांदी पी, आओ बालो तुसा भी खा गिनो जड़ा कुछ तुसा तो खा गिनो बालो कंजो असा आप जी मैं उसी कर गिन सू, ये मेरे को 4 रोटियां दा आटा है जड़ा मैं पका के हुन बालों को देंदी पई हूँ। ये देखिए ये हालात है बच्चों के, अम्मा बुढ़ी है, कहीं वेले भूखी सो जाती है, कहीं वेले रोटी आ वेंदी है कंजू घन घिन है वेड़े पाड़े की नु, कहीं वेले नी भी होंदी। ये देखिए मर्चा नाल मेरी बच्ची रोटी खांदी बैठी है, देखो ये सारी हालात, सारे कोल कुछ भी नहीं, भाजी जोगे भी कह नहीं पैसे, सारे कोल जो सब भाजी पका गई नहीं। बच्ची को मिर्ची तो ना लगा के दो, प्याज लगा दो ना, बस क्या करूं, ये खा जाती है बेटा, बस बच्ची खा जाती है, रुखी सी नहीं, मैं खा भी वेने मैं जड़े लो भूख लगती है, बहुत मुश्किल गुजारा है इनका, जड़े वाला घर में कुछ भी ना होवे ना पेट तो भरना होवे। अम्मी बाद बाद पी ना, बाद पी ना, देखो वो मर्चे खाई ना फिर तो मस्त लग गई, बहुत ज्यादा पी के मर्चे, ये देखो ये हालात है बच्चों के, छोटी सी बच्ची है बेचारी, ऐसे दे दो खाना, इसे ऐसे दे दो रूखी रोटी खा जाएगी, रूखी भी नहीं खाने वाला क्या करूं, मर्चे और ये प्याज हर वक्त खाते रहते हैं। जी हां, कहीं वाले नहीं भी होंगे, कहीं वाले मेरे खीरे खान के नहीं खा सकती तो चली गई है ना, वो तो खा रहे हैं बच्चे, अभी ये 2-3 बेटे बैठे हुए हैं, अम्मा बैठी हुई है, ये देखिए 2 रोटियां, ये गुजारा इनका,
बहुत मुश्किल हालात है इनके सारा तोरे सामने सारा हालात है घर दा जी या निजाम जेड़ा कोजे तोरे सामने देख के देवे हालात ना घर दा राशन सारे कल पूरा कहनी सा को राशन मिला वने जी से ना घर दा सडा पानी है जी मेको बालन दे जूती कपड़े मिले वने सपोर्ट थई वने मेरे घर दा कमरा बना वने नलका लगा वने जी जेड़ा सारा सहारा करे सी जेड़ा सारे बच्चन सर दे हाथ रख सी सं दुआ करे सुना को जी बिल्कुल असोना को दुआ दे सु सारी जिंदगी सारे बच्चे भी दुआ दे सन सभी ना को दुआ दे सु जी बिल्कुल हर वक्त दुआ ना को करे अल्लाह पाक ना को सुख दे इंशाल्लाह बाजी आप ना घबराएं इंशाल्लाह जो हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे आएंगे आप तक पहुंचेंगे ठीक है आप बेफिक्र हो जाएं इंशाल्लाह ये बच्चों के हालात हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा बच्चों के बहुत बुरे हालात हैं छोटी बच्ची खाना छोड़ के चली गई है बच्चों के साथ वो नहीं खा सकी बेचारी चली गई है रोती रोती उधर चली गई है भाग गई है तो ये देखिए ये हालात है इनके।